हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एन जी के। आज हम लोग ASRB नेट एग्रीकल्चरल इंटोमोलॉजी, जिसका पेपर 24 अगस्त 2021 को हुआ है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए वन बाय वन एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले, अगर चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन रखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पेपर। सबसे पहले बात करेंगे, जितने क्वेश्चन हम कलेक्ट कर पाए हैं उतना हम डिस्कस करेंगे। बाकी जो छूट चुका है या जो छूटा है, आपने अगर पेपर दिया है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए, हम उसका सोल्यूशन आपके लिए लेकर आएंगे। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, फिल्टर चैम्बर इज़ फॉर्म बाई, जो फिल्टर चैम्बर है वो किसके द्वारा फॉर्म किया जाता है। तो ये हमारा जो है कि जो मिडगट का यानी कि एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट होता है, ठीक है। और जो फॉर्म्ड होता है वो पोस्टीरियर एंटीरियर पोस्टीरियर मिडगट के द्वारा फॉर्म होता है। तो फिल्टर चैम्बर हमारा पोस्टीरियर एंटीरियर मिडगट से फॉर्म होता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट फीचर ऑफ ऑर्थोपोड्स। तो वहाँ पर आपका जो है ये हो जाएगा आपका ऑर्थोपोड्स, ठीक है, ऑर्थोपोडा। तो यहाँ पे आपका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम आपका ऑर्थोपोडा का जो है कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होंगे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फोर्थ जेनरेशन हार्मोन। फोर्थ जेनरेशन हार्मोन किसे कहते हैं? तो एंटीजोनाइल हार्मोन्स जो भी होते हैं उन्हें हम फोर्थ जेनरेशन हार्मोन्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, केमिकल बेनिफिशियल टू रिलीजर नॉट रिसीवर। ऐसा कौन सा केमिकल है उसे या क्या बोलते हैं जो हमारे रिसीवर के लिए तो बेनिफिशियल नहीं है बट रिलीजर के लिए वो बेनिफिशियल होता है? तो इसे हम लोग जो है कि एलोमोन्स बोलते हैं, उन्हें हम एलोमोन्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, जो हमारे रिसीवर के लिए, ठीक है, जो हमारा प्रोड्यूसर है उसके लिए बेनिफिशियल है और हमारे रिसीवर के लिए भी हमारा बेनिफिशियल है, तो उसे हम सिमोन्स बोलते हैं। नेक्स्ट है, जो हमारे प्रोड्यूसर के लिए अच्छा नहीं होता है बट रिसीवर के लिए अच्छा होता है उन्हें हम कैरोमोन्स बोलते हैं। तो तीन टर्म है, तीनों का जो है मीनिंग अलग अलग होता है। नेक्स्ट बात करेंगे, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? तो ये आपका जो है कि 1986 यानी कि 1986 में आया था। इसी तरीके से इंसेक्टिसाइडल एक्ट है, वो हमारा 1968 में आया था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, टिक माइट स्पाइडर बिलोंग्स टू द क्लास। जो टिक हैं, जो माइट्स हैं और जो स्पाइडर, वो किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? तो ये हमारे जो है कि एक्रिनिडा फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सॉरी, एक्रिनिडा क्लास से बिलोंग करते हैं। और इनकी बात करेंगे तो इनमें जो है एंटीना नहीं होते हैं, ठीक है। इनके जो भी टिक हैं, माइट हैं, इनमें एंटीना नहीं होते हैं, ठीक है। स्कॉर्पियंस भी ले लीजिए, इनमें क्या होता है, फोर पेयर ऑफ लेग्स होते हैं, ठीक है। वॉकिंग लेग्स जो है फोर पेयर होते हैं और ये जो है कि अनसेगमेंटेड होते हैं। तो ये हो गया आपके एक्रिनिडा का। नेक्स्ट है, एनामॉर्फोसिस इज़ फाउंड इन। तो एनामॉर्फोसिस किस में मिलता है या किस में देखने को मिलता है? तो ये हमारा प्रोट्यूरा होता है। प्रोट्यूरा का जो कॉमन नेम होता है वो आपका होता है टेल्सन टेल, ठीक है। टेल्सन टेल्स जो है इनका कॉमन नेम होता है। ये एटेरिप्टा के अंदर आते हैं और आपका जो है कि इसमें एंटीना और आइज़ जो है, हमारे प्रोट्यूरा में एंटीना और आइज़ जो है अब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, कॉमन एडिबल इंसेक्ट। कॉमन एडिबल इंसेक्ट क्या होते हैं? तो कॉमन एडिबल इंसेक्ट आपके जो है कि हनी बीज होते हैं, जिसे कि नॉर्मली खाया जाता है, ठीक है। आपके जो हनी बीज होते हैं वो चाइना के अंदर जो है इनको खाया जाता है, ठीक है। और इनसे इनकी बहुत सारी मेडिसिनल वैल्यूज़ भी होती हैं हमारे हनी बी की। तो इस तरीके से ये एडिबल इंसेक्ट भी हो जाते हैं। हनी भी एक सोशल इंसेक्ट भी है, ठीक है। हनी भी हनी प्रोडक्शन करते हैं और आपका जो है कि मेनली चार तरीके के आपके हनी बीज की क्लासिफिकेशन होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, विच इज़ द प्रेडेटर ऑफ रेड कॉटन बग। तो रेड कॉटन बग का जो प्रेडेटर है वो क्या है, वो उसका नाम क्या है, ठीक है। तो वो उनका नाम जो है एंटीलोकस क्वेरीबर्टी, एंटीलोकस कैरिकबर्टी जो है इनका साइंटिफिक नेम हो जाएगा। नेक्स्ट है, राइस रैग्ड स्टंट इज़ ट्रांसमिटेड बाय। तो जो राइस रैग्ड स्टंट है ये आपका जो है कि ब्राउन प्लांट हॉफर के द्वारा ये ट्रांसमिट किया जाता है। नेक्स्ट है,
बिटल लीफ कवर्ड विथ ग्रे स्केल इज़ ड्यू टू, जो बिटल लीफ होती हैं या बिटल वाइन्स होती हैं जिसे बोलते हैं आपका पान का पत्ता, ठीक है, पान के पत्ते का जो ग्रे स्केल होता है, ठीक है, जो उन पर ग्रे ग्रे जो पपड़ी जम जाती है वो किसकी वजह से होती है, तो वो आपकी जो है कि लीफ रॉट की या फूड रॉट की वजह से होती है। नेक्स्ट है, विच स्टेज पैरिला अटैच बाई इपिकैनिया, तो कौन सा स्टेज पैरिला का है जो इपिकैनिया के द्वारा अटैच होता है, तो वो आपका निम्फ स्टेज होता है जो इपिकैनिया के द्वारा अटैच होता है। पैरिला आपको बताना है कि किसका, ये भी पूछता है कि पैरिला किसका प्रमुख कीट है, तो पैरिला आपका जो है मेनली गन्ने में लगता है, ठीक है, गन्ना। नेक्स्ट है, साइंटिफिक नेम ऑफ राइस गॉल मिर्च, तो साइंटिफिक नेम जो है राइस गॉल मिर्च का क्या होता है, तो वो है आपका पैची डिप्लोसिस ओराइजी जो है इनका साइंटिफिक नेम होता है, या फिर बोटानिकल नहीं, साइंटिफिक नेम ही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, साइंटिफिक नेम ऑफ सॉर्गम मिर्च, तो सॉर्गम मिर्च का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या होता है, ठीक है, तो इनका जो साइंटिफिक नेम है वो है आपका कोर्टानिया सॉर्गिकोला, इनका जो है कि साइंटिफिक नेम हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उससे पहले कुछ और देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले, सॉर्गम मिर्च के अलावा दो तीन कंफ्यूजिंग टर्म्स होते हैं, जैसे कि आपके सॉर्गम ईयर बग का जो क्या नाम होता है, उनका नाम होता है हमारा कैलोकोरिस एगेस्ट्रेटस, ठीक है, कैलोकोरिस एगेस्ट्रेटस जो है हमारे सॉर्गम ईयरबड होते हैं, और इसी तरीके से जो है कि हमारे ग्राम पॉड बोरर भी होते हैं जिनको हेलिकॉर्पोरा आर्मीजेरा बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, मेलानोग्रोमाइजा ऑब्स्टिटा इज़ अ पेस्ट ऑफ, ये किसका पेस्ट है, तो ये आपका जो है कि पीजन पी का पेस्ट होता है, यानी कि आपके अरहर का पेस्ट होता है। मोस्ट डिस्ट्रक्टिव जो आपकी डिजीज़ होती है हमारी अरहर में वो हमारी होती है विल्ट, ठीक है, विल्ट हमारी अरहर में बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है हमारी उसकी प्रोडक्शन को। नेक्स्ट है, वूश एल और सैंड एश इज होल्ड इज यूज्ड अगेंस्ट, इस क्वेश्चन का जो है लैंग्वेज कंफर्म नहीं है, सो इसका आंसर अगर आपको पता है या फिर इसका लैंग्वेज अच्छे से पता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीड ऑन मेज कॉप, कौन ऑप्शन में था है? आपका ऑप्शन अलग अलग थे, और कौन जो है कि मेज कॉप पे जो है फीड करता है, तो ये आपका जो है कि हेलियोकॉर्पोरा आर्मीजेरा होता है, ठीक है। नेक्स्ट, साइंटिफिक नेम ऑफ टसर सिल्क, तो साइंटिफिक नेम जो टसर सिल्क का होता है वो होता है आपका एथेरेलिया माइटीला जो इनका साइंटिफिक नेम होता है। नेक्स्ट है, मोगा सिल्क इज मोनोपोली ऑफ विच स्टेट, किस स्टेट का जो मोगा सिल्क मोनोपोली है, मतलब मेनली वहीं उगाया जाता है या फिर उनका जो कल्टीवेशन होता है मेनली उसी स्टेट में होता है, तो मोनोपोली का मतलब यही होता है। नेक्स्ट, तो ये जो आपका असम में होता है, ठीक है, असम ही मुगा सिल्क का मेनली आपको कल्टीवेशन देखा जाता है। नेक्स्ट है, टसर सिल्क की फैमिली का नाम क्या है, तो टसर सिल्क की फैमिली जो है वो है सटनिडिए, ठीक है, सटनिडिए जो है इनकी फैमिली होती है टसर सिल्क की। नेक्स्ट है, रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म इज़ नोन एज, तो सिल्क वर्म की रेयरिंग को हम सेरीकल्चर बोलते हैं, एपिकल्चर जो है हम अपने जो आपके हनी भी होती है उनकी कल्टीवेशन को बोलते हैं, विटीकल्चर हमारे जो भी क्या कहते हैं जितने भी हमारे ग्रेप्स होते हैं उनकी कल्टीवेशन को बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका जो है सेरीकल्चर हम करते किस पे हैं सिल्क वर्म की रेयरिंग, वो हम जो है मोरी कल्चर जिसके लिए हम उगाते हैं आपका क्या कहते हैं उसको सहतूत पे जो है इनकी हम कल्टीवेशन करते हैं। नेक्स्ट है, इरेगुलर होल ऑफ ग्रेन स्टोर ग्रेन इज़ ड्यू टू, तो ये आपका इरेगुलर जो होते हैं ग्रेन में स्टोरेज के दौरान लगते हैं, तो वो आपका स्टोरेज ग्रेन पेस्ट की वजह से होते हैं, ठीक है, स्टोरेज ग्रेन पेस्ट की वजह से आपका जो है इरेगुलर होल देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, पिन साइज होल ऑन कोरिएंडर टर्मेरिक जिंजर ड्राई वेजिटेबल टोबैको स्टोर्ड प्रोडक्ट इज़ ड्यू टू, जो पिन साइज होल होता है वो किसकी वजह से होता है, तो वो होता है हमारे ड्रग स्टोर बिटल की वजह से। ड्रग स्टोर बिटल क्या होता है कि आपके चाहे वो कोरिएंडर हो चाहे आपकी जिंजर हो या फिर टोबैको हो, वो क्या करता है कि उसमें जो पिन साइज होल कर देता है जिससे उसकी क्या होती है उसकी इकोनॉमिक वैल्यू ख़त्म हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है, बिटर टेस्ट ऑफ स्वीट पोटैटो इज़ ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ, तो जो बिटर टेस्ट हमारे स्वीट पोटैटो में हो जाते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, तो वो आपका जो है कि
कैलकुलिन्स की वजह से होते हैं। नेक्स्ट है स्क्लैरिफिकेशन ऑफ ग्राउंड नट इज़ ड्यू टू, तो जो हमारे ग्राउंड नट में स्क्लैरिफिकेशन हो जाता है वो किसकी वजह से होता है, वो आपका वाइट एंट्स की वजह से होते हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है एक्सकरेट एडिक्टिशियस प्यूपा मीन्स, एक्सकरेट एडिक्टियस प्यूपा मतलब ये होता है कि वेरियस अपेंडेजेस आर नॉट ग्रोन, मतलब जितने भी उनके प्यूपा के अपेंडेज हैं अभी तक ग्रो नहीं किए हैं, इस जो टर्म है इसका मतलब यही होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कॉस्मोलिट्स क्लोरिडी इज़ अ पैरासाइट पैरासिटॉइड ऑफ, तो कॉस्मोपोलिट्स जो होते हैं वो किसके पैरासिटॉइड होते हैं, तो ये आपका हेलियोकॉर्पोरा का पैरासिटॉइड होता है। हेलियोकॉर्पोरा आपके जो ग्राम पॉड बोरर हैं, आपके जो है कि क्या कहते हैं उसको, आपके कॉटन में भी ये देखने को मिलते हैं, तो इनके इनके जो पैरासिटॉइड होते हैं वो होते हैं कॉस्मोलिप्टिस क्लोराइडे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और एक पैरासिटॉइड तो फेमस जो एक फेमस एक पैरासिटॉइड होते हैं वो आपके ट्रोगोग्रामा काइलोनिस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट है डैमेज बाउंड्री इज द लोवेस्ट लेवल ऑफ इंजरी दैट कैन बी मेजर्ड, किसी भी सबसे लोवेस्ट इंजरी कब हम मेज़र कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम इकोनॉमिक इंजरी लेवल बोलते हैं, ठीक है, उसको हम लोग इकोनॉमिक इंजरी लेवल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द टर्म इकोनॉमिक इंजरी लेवल गिवन बाई, इकोनॉमिक इंजरी लेवल किसने दिया था, तो ईस्टर्न इटॉल ने इस टर्म को दिया था, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आ भी चुका है। नेक्स्ट है ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम इज़ एक्टिव ड्यूरिंग, देखिए ट्रोगोडर्मा ट्रोगोग्रेना, ठीक है, ये आपके जो टर्म है कन्फ्यूजिंग होते हैं, तो ट्रोगोग्रेमा जो होते हैं ये आपके पैरासिटॉइड होते हैं, एक पैरासिटॉइड होते हैं, ठीक है, और ट्रोगोडर्मा जो है ये आपके स्टोर में पेस्ट का काम करते हैं, ठीक है, स्टोरेज पेस्ट हैं ये, तो इनका जो एक्टिव टाइम होता है ये आपका जुलाई से अक्टूबर होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे विच इंसेक्ट एक्ट एज बोथ फील्ड एज वेल एज स्टोरेज, तो ये आपका जो है कि पोटैटो ट्यूबर मॉथ्स जो होते हैं ये आपके फील्ड और स्टोरेज दोनों पे आपके ये अटैक करते हैं दोनों जगह, और इसी तरीके से खपरा बीटल होते हैं, और खपरा बीटल का साइंटिफिक नेम क्या है ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, उनको बोलते हैं ट्रोगोडर्मा, ठीक है, ट्रोगोडर्मा उनका नाम होता है साइंटिफिक नेम। नेक्स्ट है साइंटिफिक नेम ऑफ अफ्रीकन लोकस्ट, तो साइंटिफिक नेम ऑफ अफ्रीकन लोकस्ट क्या होता है, तो सबसे पहली बात ये उनका नाम होता है परकिया बाइग्लोबा, ठीक है, बाइग्लोबोसा, परकिया बाइग्लोबोसा जो इनका आपके साइंटिफिक नेम होता है अफ्रीकन का, और इसी तरीके से जो है आपके जो डेजर्ट लोकस्ट होते हैं, ठीक है, जो आपके डेजर्ट लोकस्ट होते हैं उनको हम लोग जो है बोलते हैं डेजर्ट लोकस्ट को इंटरनेशनल पेस्ट बोला गया है, ठीक है, और डेजर्ट लोकस्ट का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है सिस्टोसरका ग्रिगेरिया, ठीक है, सिस्टोसरका ग्रिगेरिया डेजर्ट लोकस्ट और इंटरनेशनल पेस्ट के कैटेगरी में आता है। इसी तरीके से वाइट ग्रब को जो है नेशनल पेस्ट बोला गया है, नेशनल पेस्ट जो है वाइट ग्रब्स को बोला गया है। नेक्स्ट है साइंटिफिक नेम ऑफ पुल्लू बीटल्स, पुल्लू बीटल्स का साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो उनका जो लॉन्गिटार्सस निफ्रीपेनिस इनका जो है साइंटिफिक नेम है। नेक्स्ट है फैमिली ऑफ रेड फ्लोर बीटल, रेड फ्लोर बीटल का फैमिली क्या होता है, तो वो आप उनका यहाँ पे साइंटिफिक नेम दे दिया गया है, तो यहाँ पे इनका साइंटिफिक नेम लिख दिया गया और आपको फैमिली भी बता दी जा रही है। सबसे पहले साइंटिफिक नेम इनका जो है कि ट्राइबोलियम कैस्टिनियम है, और इनकी जो फैमिली होती है ये होती है आपके टेनेब्रिडियो निडे, ठीक है, इनकी जो फैमिली होती है वो होती है टेनियोब्रियो निडे, ठीक है, टेनियोब्रियो निडे इनकी फैमिली होती है, और कोलिप्टेरा जो है इनका कोलिप्टेरा से ये बिलोंग करते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है मैक्सिमम नंबर ऑफ बायोटाइप इज़ इन विच इंसेक्ट, सबसे ज़्यादा बायोटाइप कहाँ पाया जाता है, तो बायोटाइप जो है आपका मिज में, ठीक है, मिज में जो आपके सबसे ज़्यादा बायोटाइप देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है स्पेसिफिक पेस्ट ऑफ पियर, पियर का स्पेसिफिक पेस्ट है क्या होता है, तो वो आपका कॉडलिंग मॉथ और पियर साइला होते हैं। नेक्स्ट है साइफनोथ्रिक्स यूज टू कंट्रोल ऑफ, तो साइफनोथ्रिक्स किसके कंट्रोल के लिए यूज़ किए जाते हैं, तो ये आपके कॉकरोच के कंट्रोल को
के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है माइट टाइप वायरस इन डिटर्मिनेशन। तो जो माइट टाइप वायरस डिटर्मिनेशन होते हैं उनका मतलब आपका सर्कुलेशन बट नॉट प्रोपोगेशन। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, ठीक है, इसका क्वेश्चन कंफर्म नहीं है या फिर इसका क्वेश्चन मुझे मिला नहीं है अभी तक। नेक्स्ट है हर्मेटिक स्टोरेज। हर्मेटिक स्टोरेज क्या होता है, तो ये आपका जो है कि कितने पर करते हैं, तो ये आपका जो है 9 से 9.5% CO2 लेते हैं और 2 से 4% O2 लेते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पे आपका परसेंटेज पूछा था। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ इलास्मोपैलस जेमनीफेगस। तो ये इनका जो कॉमन नेम होता है वो होता है गैलरी वॉर्म। नेक्स्ट है वेक्टर ऑफ काला अजार। काला अजार का वेक्टर कौन होता है, तो ये होते हैं सैंड फ्लाई। नेक्स्ट है टॉर्मेडी इज़ अ पार्ट ऑफ, तो टॉर्मे जो है ये किसका पार्ट होता है, टॉर्मे आपका ये पार्ट होता है माउथ का पार्ट होता है, ठीक है। अलग अलग आपके ऑप्शन दिए हुए थे जैसे कि लेग हो गए, ठीक है, हेड हो गया, एलिमेंट्री कैनाल हो गया और माउथ पार्ट हो गया, तो यहाँ पे आपका टॉर्मे माउथ पार्ट का पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है एमोमम डिजीज ऑफ लार्ज कार्डमम इज स्प्रेड बाय, तो ये किसके, जो एमोमम डिजीज़ होता है कार्डमम में, ठीक है, बड़ी इलायची में, वो किसके द्वारा स्प्रेड किया जाता है, तो वो स्प्रेड किया जाता है माइक्रोमाइजस के द्वारा, माइक्रोमाइजस के द्वारा। नेक्स्ट है साइप्रस इज मैनेज बाई, इसके ऑप्शन नहीं है, हमें मिले हैं, ठीक है, तो इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आंसर इसका होगा। नेक्स्ट है सोलानिन इज़ अ एंटीफिडेंट अगेंस्ट, जो सोलानिन होता है जो हमारे पोटैटो में मिलता है, ठीक है, पोटैटो में मिलता है, वो किसके लिए सोलानिन हम किसके अगेंस्ट हम यूज़ करते हैं, तो वो पोटैटो एफिड्स के अगेंस्ट हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी ऑफ DDT। इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी ऑफ DDT किसने दिया था, तो पॉल मुलर ने 1939 में दिया था, ओके 1939 में दिया था। नेक्स्ट है रोप टेस्ट इज डन इन विच ब्रूड, तो रोप टेस्ट किस ब्रूड में यूज़ करते हैं, तो सबसे पहले ये हमारी डिजीज़ जो होती है रोप, ये आपका रोपिनेस, ये आपका ये डिजीज़ जो है रिलेटेड है वो हनी बी से रिलेटेड है, ठीक है, हनी बी से। इसमें होता है एक अफ्रीकन फाउल ब्रूड और एक फ्रेंच फाउल ब्रूड, तो यहाँ पे जो रोप टेस्ट यूज़ किया जाता है वो आपके अफ्रीकन फाउल ब्रूड के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इन्फेक्शन एब्डोमन इज सेपरेटेड स्वेलन साइनिंग, ये किसका जो है कैरेक्टरिस्टिक है, किस डिजीज़ का कैरेक्टरिस्टिक है, ये पूछा गया था, तो यहाँ पे आपका नोसेमा डिजीज़ का ये कैरेक्टर है। नेक्स्ट है प्रीडेटर ऑफ लैग, लैग के प्रीडेटर कौन कौन से होते हैं, तो ये वाइट मॉथ होते हैं और एक ब्लैकिश ग्रे मॉथ होते हैं, और इनका जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है यूब्लेमा एमाबेलिस और होलोकोरोसिया पल्विवेरसिया, ठीक है, होलोकोसेरा पल्विरिया इनका जो है कि साइंटिफिक नेम हो जाएगा। दो आपके प्रेडिटर मेनली आपके लैग के होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, स्टेप टू इंक्रीज पॉलन बाई पॉलन गैदर्स इन हनी बी। अब यहाँ पे आपके ऑप्शंस जो हैं पूरे के पूरे दिए हुए हैं, ठीक है, और कमेंट करके आप हमें बताइए कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। नेक्स्ट है प्यूरिफाइड फॉर्म ऑफ लैग, लैग का प्यूरिफाइड फॉर्म क्या होता है, तो शेलैक जो बनते हैं ये आपके लैग के प्योरीफाइड या फिर आपके प्योर फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ मैक्सिला, मैक्सिला क्या है, तो मैक्सिला आपका जो है कि माउथ का पार्ट होता है, मैक्सिला मैंडिबल हाइपोफेरिंग्स ये सब जो है आपके पार्ट होते हैं माउथ के। नेक्स्ट है लेंटेना इज़ कंट्रोल बाई, ठीक है, लेंटेना कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये आपका जो है कि पैरा बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंडर आता है, ठीक है, जिनको लेस बग के द्वारा और या फिर हम कह लेंगे इसको टेलोमीनिया सेरप प्लोरा के द्वारा ये इनको कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट है बायो कंट्रोल बेस्ड ऑन, जो बायो कंट्रोल होते हैं वो किस पे बेस्ड हैं, तो बायो कंट्रोल्स हमारे जितने भी प्रेडेटर्स होते हैं या पैरासिटॉइड्स होते हैं उन पे हम बायो कंट्रोल यूज़ करते हैं, जैसे कि उनको लेके हम जो है बायो कंट्रोल एजेंट यूज़ करते हैं। प्रेडेटर और पैरासिटॉइड हमारे बायो कंट्रोल एजेंट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे एजिटेटर इज़ अ पार्ट ऑफ, एजिटेटर किसका पार्ट होता है, तो एजिटेटर हमारे जो है कि स्प्रेयर के पार्ट्स होते हैं। नेक्स्ट है
नैपसैक स्प्रेयर इज यूज्ड फॉर, तो जो नैपसैक स्प्रेयर है ये हमारे टी और कॉफ़ी के लिए यूज़ किए जाते हैं या फिर हिली एरियाज़ के लिए भी कह सकते हैं इसको यूज़ कर सकते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें जाना है। नेक्स्ट है बिलो इज़ मेड अप ऑफ, तो बिलो किसका बना होता है, तो बिलो हमारे जो है प्लास्टिक्स के बने होते हैं। नेक्स्ट है विच स्प्रेयर रिक्वायर स्प्रे इन पैडी, कौन से स्प्रेयर जो है आपके पैडी के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, तो बैक पैक स्प्रेयर जो है आपके पैडी में रिक्वायर्ड होते हैं। नेक्स्ट है रोटेटरी डस्टर इज़ ऑल्सो नोन एज, तो रोटेटरी डस्टर को और क्या बोलते हैं, तो उनका अलग और नाम होता है हैंड क्रैंक डस्टर, हैंड क्रैंक डस्टर रोटेटरी डस्टर का दूसरा नाम होता है। नेक्स्ट है रोटेटरी डस्टर एयर करेंट डेवलप बाई, रोटेटरी डस्टर में एयर करेंट किसके द्वारा डेवलप किया जाता है, तो ये आपके जो है फैन के द्वारा डेवलप किया जाता है। नेक्स्ट है इफ़ होलोटाइप इज़ लॉस्ट इट रिप्लेस बाई, अगर होलोटाइप जो है लॉस हो जा रहा है तो वो किसके द्वारा रिप्लेस किया जाता है, तो वो जो है कि आपके नेक्स्ट नियोटाइप के द्वारा डेवलप किया जाता है। नेक्स्ट है इंडिविजुअल प्लांट सो लेशर डैमेज ड्यू टू, कोई भी प्लांट है वो उसमें डैमेज कम दिख रहा है, वो क्यों हो रहा है, बिकॉज वो उस किसी भी एक स्पेसिफिक पेस्ट के या स्पेसिफिक डिजीज से रेजिस्टेंस शो कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक एंड वाटर किल्स, इलेक्ट्रिक और वाटर किल्स किस जो है हमारे इंसेक्ट के लिए यूज़ करते हैं, किसको मारने के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो वो हम मॉस्किटो और फ्लाइज को मारने के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है एन एंटागोनिस्टिक एसोसिएशन बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म स्पेशली माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन विच वन इज़ एडवर्सली अफेक्टेड, तो यहाँ पे आपको ये पूरा सेंटेंस दिया गया था और पूछा था कि ये किसकी डिफिनेशन है। नेक्स्ट तो ये है आपका एंटीबायोसिस, इसे कहते हैं, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि एक बहुत एडवर्सली इफेक्ट होता है और जिसमें दूसरे को कोई इफेक्ट नहीं होता है। नेक्स्ट है बीटी वॉज आइसोलेटेड इन ईयर, तो बीटी कॉटन या फिर बीटी जो बैसिलस थुरिंजिनेसिस है ये कब आइसोलेट किया गया था, तो ये आपका जो है कि 1901 में ये आइसोलेट किया गया था। नेक्स्ट है टोपियोका मोजैक वेक्टर, जो टोपियोका मोजैक वेक्टर है वो किसके द्वारा स्प्रेड किया जाता है, तो ये आपका कसावा मोजैक वायरस के द्वारा ये इसका वेक्टर होता है। नेक्स्ट है इंसेक्टिसाइडल एक्ट कब आया था, इंसेक्टिसाइड एक्ट कब आया था, तो वो आया था 1968 में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ बैन फॉर इम्पोर्ट मैन्युफैक्चर, इम्पोर्ट और मैन्युफैक्चर दोनों के लिए ये बैन कर दिया गया है, तो कार्बोफ्यूरॉन उनमें से एक है ऑप्शन में से। नेक्स्ट है डीपा कब आया था, यानी कि डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट एक्ट कब आया था, तो वो आपका 1914 में आया था। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव थ्रेशोल्ड बेस्ड ऑन, तो डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव थ्रेशोल्ड बेस्ड ऑन, तो कोई भी हम जो है इफेक्टिव मेजर्स लेते हैं वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ठीक है, तो ये आपका जो है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, जियोग्राफिकल लोकेशन, मार्केट कंडीशन, सभी पे ये डिपेंड करता है। नेक्स्ट है इन इंडिविजुअल सीरीज ईच वेरिएंस वैल्यू हैज़ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इन्हें क्या बोलते हैं, तो ये आपका डिफिनेशन ही है क्लास इंटरवल का। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एंटीफिडेंट, तो आपका ये एंटीफिडेंट कौन होता है, तो ये आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है एजाटाइट का इंडिका हो जाएगा। नेक्स्ट है द न्यूमेरिकल विच ऑफ एनी क्लास इन अ पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज, तो ये क्या होता है, तो ये आपका क्लास इंटरवल होता है। नेक्स्ट है नोडस इज फाउंड इन, नोडस किस में मिलता है, नोडस किस में देखने को मिलता है, तो नोडस आपके जो है ओडोनेटा में देखने को मिलता है, ठीक है, नोडस जो है ओडोनेटा में देखने को मिलता है, और ओडोनेटा जो है उनका जो क्या कहते हैं कॉमन नेम होता है ओडोनेटा का, वो होता है डैमसिल फ्लाई और ड्रैगन फ्लाई, ठीक है, और इनको जो नोडस होते हैं ना उनमें नोडस जहाँ पे नोडस का मतलब होता है जहाँ से हमारे विंग्स वहाँ पे जहाँ से प्रेजेंट हुए हैं, ठीक है, ये होते हैं हमारे ओडोनेटा के कैरेक्टर। ओडोनेटा हमारे किस में आते हैं, ओडोनेटा हमारे जो है कि एक्सोटेरिगोटा में आते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंट ऑडिटरी मेम्ब्रेन इज कॉल्ड, तो ये आपका जो है कि टिम्फैनम होता है, ट्रांसपेरेंट ऑडिटरी मेम्ब्रेन, ठीक है। नेक्स्ट है शार्प एविपोजिटर फाउंड इन, तो शार्प एविपोजिटर आपके जो है कि ऑफलाई में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे
स्टाइल इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, स्टाइल किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, यानी कि स्टाइल किस में देखने को मिलता है, तो फीमेल मॉस्किटो में देखने को मिलता है, ठीक है। सर साइज जो है दोनों मेल मॉस्किटो और फीमेल मॉस्किटो दोनों में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है लैक इज़ प्रोड्यूस बाई विच ग्लैंड, तो लैक किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, किस ग्लैंड के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, तो ये इसे लैक ग्लैंड भी बोलते हैं या फिर रेजिन ग्लैंड भी बोलते हैं। नेक्स्ट है एनामॉर्फिक डेवलपमेंट इज़ फाउंड इन, तो एनामॉर्फिक डेवलपमेंट जो है या फिर एनामॉर्फोसिस जो है ये प्रोट्यूरा में देखने को मिलता है, और प्रोट्यूरा का जो कॉमन नेम होता है वो होता है टेल्स एंड टेल्स, और इनमें जो है कि मेटामॉर्फोसिस अब्सेंट होते हैं और जो भी अपेंडिजेस होते हैं वो भी अब्सेंट होते हैं, और ये जो है कि विंगलेस होते हैं। ये आपके जो है कि प्रोट्यूरा के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नेक्स्ट बात करेंगे द फैमिली इन विच मेल हैव विंग्स एंड फीमेल विंग्स आर अब्सेंट, कौन सी फैमिली जिसमें मेल में विंग्स होते हैं और फीमेल में विंग्स नहीं होते हैं, तो ये आपके जो है कि स्ट्रेप्टीटेरा में इनकी नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कंप्लीट पैरासिटिक ऑर्डर कौन से होते हैं, जिसमें कंप्लीट पैरासिटिक इंसेक्ट पाए जाते हैं, तो वो आपके जो है कि स्ट्रेप्टीटेरा है। नेक्स्ट है माइट फाउंड इन क्लोज एसोसिएशन विद हनी बीज बॉडी, तो जो भी माइट्स हैं आपके हनी बी से बहुत ही क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं उनका नाम क्या है, तो वो आपके ट्रैकियल माइट्स होते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मैकेनिकल रिसेप्टर, तो मैकेनिकल रिसेप्टर कौन से होंगे, तो वो आपके जो है कि कॉर्डोटोनल होंगे, कॉर्डोटोनल आपके मैकेनिकल रिसेप्टर्स होते हैं। नेक्स्ट है टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन लैक, लैक में किस तरीके की रिप्रोडक्शन पाई जाती है, तो ये आपके ओवोविविपेरस मोड होते हैं, ओवोविविपेरस मोड आपके लैक में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है मुलेरियन मिमिक्री इज रिलेटेड टू, तो मिमिक्री कोई भी इंसेक्ट कब करता है, जब उसे लगता है कि उसके आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो जो है उसके लिए ख़तरनाक होने वाला है, या फिर कोई भी डेंजर उसके लिए या उसके जो भी स्पीसीज हैं उनके लिए आने वाले हैं, तो ये मिमिक्री जो है मुलर्स ने दिए थे, और ये मिमिक्री जो है एग्जिबिट करता है कि एक वार्निंग के लिए ये जो है दिखाता है, ठीक है। नेक्स्ट है इंसेक्ट विच इन्वॉल्व इन पॉलिनेशन इज नोन एज, जो इंसेक्ट पॉलिनेशन में इन्वॉल्व होते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको इंटोफिल्स बोलते हैं, जो भी इंसेक्ट पॉलिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनको इंटोफिल्स बोलते हैं। नेक्स्ट है अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैविंग अ आइडेंटिकल जेनेटिक कंस्टिट्यूशन, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उनका जेनेटिक कंस्टिट्यूशन सेम है, आइडेंटिकल है, तो वो क्या होते हैं, वो बायोटाइप होते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग अटैक ऑन क्रॉप एट नाइट, कौन से क्रॉप हैं जो नाइट में अटैक करते हैं, ठीक है, रात में अटैक करते हैं, वो जो इंसेक्ट कौन कौन से होते हैं, ठीक है, कौन होते हैं, तो ये आपके सबसे इम्पॉर्टेंट है गंदी बग होते हैं, ठीक है, गंदी बग जो है आपके नाइट में अटैक करते हैं। लेप्टोकोरिसा एक्यूटा जो इनका साइंटिफिक नेम है, और ये जो है कि हेमिप्टेरा से बिलोंग करते हैं, ठीक है। कुछ बात करेंगे इनके क्या कहते हैं, ये जब अटैक करते हैं ना तो एक स्मेल, पूरी स्मेल प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है, पूरे फील्ड में, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे सीरियस पेस्ट ऑफ करी लीफ इन अर्ली स्टेज, करी लीफ में सीरियल पेस्ट कौन से लगते हैं, तो वो आपका सिट्रस बटरफ्लाइज जो हैं ये करी लीफ में लगते हैं। नेक्स्ट है गंदी बग अटैक्स एट राइट, तो गंदी बग्स कब अटैक करते हैं राइस पे, तो ये आपके जो है मिल्किंग स्टेज पे प्रोड्यूस अटैक करते हैं, ठीक है। ब्राउन स्पॉट और ब्लैक स्पॉट जो है देखने को मिलता है हमारे लीफ पे, ठीक है, और उसके जो है कि सूटी मोल्स भी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है इनके लिए बात करेंगे कि मिल्किंग स्टेज पे तो ये अटैक करते ही करते हैं, और जो है कि अनपंजेंस और अनप्लीजेंट स्मेल जो है आपकी फील्ड से आपके आने लगती है। नेक्स्ट बात करेंगे रिडक्शन इन लिंट डेवलपमेंट इज़ ड्यू टू, तो
हमारे जो लिंट में लिंट लिंट हमारे लिंसेट से बिलोंग कर लिंसेट से बात करते हैं, और जो सीट जहाँ पे बनती है लिंट की या फिर लिंसेट की या फ्लैश की, वो हमारे बॉल बोलते हैं उनको। और ये जो लिंट डेवलपमेंट कम होता है, ठीक है, रिडक्शन कम, जिसे क्या कहते हैं लिंट में का डेवलपमेंट कम होता है, वो किसकी वजह से होता है, वो आपको जो है कि पिंक वुलवॉर्म की वजह से होता है। नेक्स्ट है स्पेसिफिक पेस्ट ऑफ वीट, तो वीट का स्पेसिफिक पेस्ट कौन सा होता है, ठीक है, यहाँ पे आपका पूछा है कि वीट का स्पेसिफिक पेस्ट क्या होता है। तो ये आपका स्पेसिफिक पेस्ट है वीट की नर्सरी का, और इनका जो गुजिया विविल का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है आपका टैनीमेकस इंडिकस, कोलिप्टोरा से बिलोंग करते हैं, और डैमेजिंग स्टेज जो है इनका एडल्ट विविल होता है, ठीक है, डैमेजिंग स्टेज जो है इसका एडल्ट विविल होता है, और मोस्ट ऑफ द इनका जो डैमेजिंग स्टेज एडल्ट हो गया, प्लस इन ये जो है कि अक्टूबर से नवंबर के मंथ्स में ये ज़्यादा अटैक करते हैं, गुंजिया विविल आपके अक्टूबर से नवंबर में ज़्यादा अटैक करते हैं, और स्पेसिफिक पेस्ट होता है आपके वीट की नर्सरी का, यानी कि गेहूं की नर्सरी का ये स्पेसिफिक पेस्ट होता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट है, और उसका जो है कि पूछा था कि ये किसका डिफिनेशन है, तो ये है प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग बायोलॉजिकल और अदर साइंटिफिक एंड इकोनॉमिक एविडेंस टू डिटरमाइन वेदर एन ऑर्गेनिज्म इज अ पेस्ट। सारे जितने भी प्रोसेस अपनाए जाते हैं, ठीक है, बायोलॉजिकल साइंटिफिक और इकोनॉमिक एविडेंस को लेके वो क्या दिखाते हैं, तो वो आपको दिखाते हैं कि पेस्ट रिस्क एनालिसिस को वो दिखाते हैं कि किस पेस्ट से कितना रिस्क है, उसको एनालिसिस करते हैं। अभी तक हमें इतने ही क्वेश्चन मिले हैं, और अब अगर आपके पास और भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके भेजिए ज़रूर। नेक्स्ट है, अगर आप हमारे एग्रीकल्चर एंड जीके ऐप को अभी तक इंस्टॉल नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसको इंस्टॉल करिए, गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, बिकॉज ये है इंडिया का नंबर वन एग्रीकल्चर ई लर्निंग ऐप, जहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज और भी हमारे जो भी कोर्सेज हैं वहाँ पे अवेलेबल हैं, फेयर प्राइस पे अवेलेबल हैं, ये भी ध्यान रखिए। और आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ अदर सोशल मीडिया जैसे कि टेलीग्राम प्लस इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे आपको क्लास के नोटिफिकेशन, फिर उसके बाद आपको डिफरेंट क्विज ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, और आपको जो है हमारे यूट्यूब के साथ जुड़ना ही जुड़ना है, तो प्लीज़ जुड़िए हमारे यूट्यूब के साथ, सब्सक्राइब एग्रीकल्चर एंड जीके ऐप, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपना ध्यान रखते रहिए। थैंक यू।